हेलो दोस्तों, ओडिशा पोस्ट माध्यम रे मु आउडे वीडियो को आपन को स्वागत करछि। जदि ए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर नंतु तेलो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। तबे चालंतु आरंभ करबा ए वीडियो टी। आज रे वीडियो टर देखिबा ओएसएससी तरफ रु रिक्वायरमेंट आसी आइ छि 2021 जोटा कि रहै छि ओडिशा रे एआरआई एवं ए अमीन रिक्वायरमेंट 2021 ओडिशा गवर्नमेंट तरफ रु बहुत सारा पद पे अछि एआरआई एवं अमीन पई। तेनु एही वीडियो रे आमे देखिबा, तेनु ए वीडियो टी को आपन शेष पर्यंत देखंतु। ए वीडियो रे प्रथम रही छि वैकेंसी डिटेल, कट ऑफ मार्क, एज लिमिट एवं अप्लाई आपन किपर करिवे एवं केउ डेट रे आपन अप्लाई करिवे एवं लास्ट डेट केबे अछि। तबे चालंतु ए वीडियो टी को आरंभ करबा। प्रथम अच्छी एआरआई एवं अमीन अच्छी जो हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट थे अप्लाई करि परबे। जेंडर अच्छी मेल एवं फीमेल, जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल थे बोथ अप्लाई करि परबे। टोटल पोस्ट एथि रही 1114 टी पोस्ट रही जोटा कि एआरआई आउ अमीन। जदि आम 1114 टी पोस्ट को भाग करिवा ताले एआरआई पई 576 टी पोस्ट रही, ता सहित अमीन पई 538 टी पोस्ट रही जोटा कि 576 एवं 538 जोटा कि पूर्व थर आरआई पई ए किछि सप्ताह पूर्व बा 7-8 दिन पूर्व आसथिला पाखापाखि 500 टी पोस्ट, कारण सेम पोस्ट रही एआरआई एवं अमीन पई। तबे चलंतु आप्लिकेसन मोड कौन रही, ऑनलाइन आप्लिकेसन मोड रही, ऑनलाइन माध्यम रे आपन अप्लाई करि परिबे एवं अप्लाई डेट 7 जुलाई रही जोटा कि एबे घुंची जाइछि। ओ ट्रिपल एससी तरफ रु एबे जो नोटिफिकेशन आछि सेटर घुंची जाइछि एवं जहां निकट भविष्य रे जेबे डेट आसीबे आपन ए चैनल को जदि बेल आइकन को बजाई थिबे ताहाले आपन संपूर्ण नोटिफिकेशन पाई परिये परवर्ती समय रे। तबे चलंतु आउ थरे आरंभ करबा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन केबे अछि 3 अक्टूबर 2021 डेट ऑफ एग्जामिनेशन अछि एवं जॉब लोकेशन ओडिशा अछि एवं जोठी एग्जामिनेशन हबो सेटा आपनक निज ओन सीट रे रहइबो, जो सीट रे आपन आपणकर घर रही। तेणु तापर एज लिमिट आम देखने, एज लिमिट अच्छी मिनिमम कैंडिडेट एज लिमिट अच्छी 20 वर्ष एवं मैक्सिमम अच्छे 32 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आरआई एवं अमीन पाई अच्छी प्लस टू विथ कंप्यूटर नॉलेज जोटा डीसीए किंबा आपण पीजी डीसीए होइथिबा आवश्यक, पीजी डीसीए आपण करथिबा आवश्यक। डीसीए एवं पीजी डीसीए प्लस प्लस टू मार्क सिलेक्शन रे आपण को निया जीव एआरआई एवं अमीन पाई। तार देखिया सिलेक्शन प्रोसेस कौन अच्छी, सिलेक्शन प्रोसेस मुख्यतः तीन भाग में पार्टिसिपेट कर। फास्ट भाग हूँ रिटिन एग्जामिनेशन, प्रथम रिटिन देवा पड़ो, प्रथम कौन अच्छी आपको रिटिन क्वालिफाई करवाक पड़ो। सेकेंड रहा कंप्यूटर प्राक्टिकल टेस्ट जोटा एआरआई बाय अमीन पाई निहाती आवश्यक कंप्यूटर प्राक्टिकल टेस्ट, से आपंकर एक्सेल वार्ड एवं पावर पॉइंट ता सहित किपर एंट्री कर आपणकर वार्ड स्पीड भी मापे आपत 30 मिनिट को किंबा 35 पर मिनिट मापे आप गोटे गोटे वार्ड को आपड़ से मैंने कैलकुलेट करेंगे जोटा कि दुई में रही। तीन नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बा डीवी, आपको तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ो 10th+2 मार्क विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ता सहित जदि आप रहा रिजर्वेशन किसी एससी एसटी किंबा एससीबीसी सर्टिफिकेट अच्छी से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट करने पड़ो। तेनाली जल्दी 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 आपण एबे एससीबीसी किंबा एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना तेज अप्लाई कर दिंतु, ता सहित रेसीडेंट सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर नियंतु। एवं रिटिन एग्जाम कौन अच्छी, रिटिन एग्जाम से मैंने प्रथम देखते जनरल अवेयरनेस जोटा कि 90 मिनिट्रे पड़ो 100 मार्क क्वेश्चन, द्वितीय अच्छे मैथमेटिक्स 90 मिनिट्रे पड़ो 100 मार्क क्वेश्चन, तापर जनरल इंग्लीश जोटार 60 मिनिट्रे पड़ो 50 मार्क क्वेश्चन, एवं चतुर्थर अच्छे कंप्यूटर रिटिन टेस्ट जोटा 60 मिनिट्रे 50 मार्क क्वेश्चन पड़ो। कंप्यूटर रिटिन टेस्ट मैंने आपको पचारे कट किंबा कॉपी पेस्ट यही सब किम कौन सर्टकट की भी पचारि पारती, तेणु तापर भिडियो मुझे बनैबी जदि भिडियो अच्छी तालोले आपत देख यूट्यूब मध्यम आपड़ भी देखिपारे। पंचमर ओडिया लांगुएज पर अच्छी 60 मार्क क्वेश्चन अच्छी 50 मार्क पड़ो, तार स्किल टेस्ट अच्छी 60 मार्क क्वेश्चन 50 मार्क पड़ो। एवं दुई नंबर कौटा थी कंप्यूटर प्राक्टिकल टेस्ट जोटा अच्छे कंप्यूटर प्राक्टिकल टेस्ट, सेटार विंडोज WOS जोटा विंडोज ऑपरेटर MS वर्ड MS पावर पॉइंट आउ MS एक्सेल बाबद आपको प्राक्टिकली पचारे एवं पचार सारापर आपण को एनसर देवाई पड़ो। ठीक अच्छे दोस्तों, यही थी आरआई अमीन पाई। जदि सर्ट नोटिफिकेशन टी आसी मुझक बतईदेली निकट भविष्य में जब आसो ताल यही चैनल मध्यम आपड़ सविशेष तथ्य पापारे। जदि यही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु एवं
ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।